जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं आप लोगों को अगर दिखाता चलूँ शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आप लोगों ने किस तरीके से अपनी जनरल सेटिंग्स को सेट करना है, मतलब आप लोगों ने सेटिंग्स को किस तरीके से देखना है और आप लोगों ने किस तरीके से लोकेशन को आप लोगों ने चेंज करना है, वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। आप लोगों ने सिंपली सेटिंग्स के ऊपर जाना है, यहाँ पर स्टोर डिटेल के बारे में लिखा होगा, यहाँ पर आप लोग अपने स्टोर का नाम कुछ भी चेंज कर सकते हैं और उसके अलावा अपनी मेल और अपना सारी जो है चीज़ें चेंज कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा ये वाली जो बिलिंग लोकेशन है, फॉर एग्जांपल जो आप लोगों ने पे किया था शॉपिफाई की $1 जो ख़रीदने के लिए, वहाँ पे ये वाला एड्रेस आ रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे बिज़नेस एड्रेस के अंदर। बाकी उसके अलावा मैं जो आप लोगों को जिस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये टाइम जोन और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे इस्लामाबाद और कराची आ रहा है। आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है जो USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे लोगों के बारे में जो कहते हैं कि ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, तो कोशिश करें USA, कनाडा ये चेंज करें यहाँ पर, क्योंकि जब आप लोग चेंज करते हैं ऑटोमेटिकली जब पेमेंट्स का ऑप्शन जब आप लोग चूज़ करते हैं तो डेफिनेटली बात है वहाँ पर आप लोगों को फिर मसले ना आए। तो इस वजह से पहले से ही आप लोग ये चीज़ें सेटिंग्स देख लें, क्योंकि जनरल सेटिंग से लेके चलेंगे तो एंड में आप लोगों को मसले नहीं आएंगे, फिर बाद में फिर दोबारा यहीं पे आते हैं तो मसले ज़्यादा बढ़ते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे USA का करना है, जो भी आप लोगों ने एरिया सेलेक्ट करना है यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा जैसे मैंने इस्लामाबाद कराची है मैंने चूज़ कर लिया, बाकी मैट्रिक्स आप लोगों ने सिस्टम के अंदर KG जैसे कि सामने चूज़ हो रहा है, ग्राम्स के अंदर चूज़ हो रहा है, डेफिनेटली बात है KG के अंदर मैं चूज जाऊँगा। इंपीरियल के अंदर आप लोगों को पाउंड्स और बाकी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होती हैं, मैट्रिक के अंदर मैंने ये जैसे चूज़ कर लिया, मैट्रिक में रहने दीजिएगा। बाकी उसके अलावा ऑर्डर ID आप लोगों ने यहाँ पे ये हैशटैग ये लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखें। अब पहला अगर आप लोगों का ऑर्डर आता है तो यहाँ पे 1001 के थ्रू आप लोगों का ये शुरू होगा ऑर्डर नंबर। आप लोग चाहते हैं नहीं यार मेरा ब्रांड का नेम या मेरा नेम आना चाहिए, तो फॉर एग्जांपल एच स्टोर यहाँ पे लिखेंगे आप, एच स्टोर 1001 से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका जब ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर जनरेट होगा यहाँ पे हैशटैग 1001 की बजाय यहाँ पे एच स्टोर आ जाएगा। यहाँ आप लोग एच अकेला लिखेंगे तो मतलब ये अपीयर हो रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो मतलब जो भी आप लोग लिखना चाहते हैं वो आप लोग लिख सकते हैं। मैं जैसे HS लिखूँगा, HS 1001 या एच स्टोर लिख दूँगा, तो मतलब ये डिपेंड करता है आप पे, आपने लिखना क्या चाह रहे हैं, या मैं मतलब जो पहले है ऑलरेडी मैं उसको रहने दे रहा हूँ, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है आपने क्या चीज़ को सेव करना है, ठीक है। बाकी चलते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर। आप लोगों ने जब ये चीज़ देख ली, आप लोगों के ऊपर लोकेशंस मैटर करती हैं, ये प्लान्स के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों का कौन सा प्लान है शॉपिफाई के ऊपर, जैसे $1 है बेसिक प्लान है, मैक्सिमम लोगों का यही होगा, लेकिन आप लोग ये जो प्लान्स होते हैं $25 और बाकी हैं, उसके अंदर आप लोगों के लोकेशंस, आप लोगों को दो दो तीन तीन लोकेशंस का होता है कि आप लोग दो दो तीन तीन लोकेशंस को आप लोग चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आप लोग प्लान्स के थ्रू मिसाल के तौर पर जो अपग्रेडेड प्लान होता है वहाँ पर अपने स्टाफ मेम्बर्स को भी ऐड कर सकते हैं, तो इसके अंदर ये सारी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम मिलती हैं क्योंकि ये बेसिक प्लान होता है। बाकी यहाँ पे बिलिंग्स का जो है ऑप्शन शो हो रहा होता है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग बिलिंग्स से रिलेटेड होता है कि आप लोगों का क्या क्या चीज़ है, कौन सा कार्ड है, किस तरीके से, और ट्रायल यहाँ से कब तक है, ठीक है, $1 कब से स्टार्ट हो रहा है, और फिर आप लोगों का जो बेसिक प्लान है कब से ये चार्जेस ये वाला आप लोगों को देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने सेव करना है तो $72 आप लोग ईयरली आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की स्टेटमेंट भी यहाँ पे शो हो रही होती है, ठीक है जी। तो बाकी ये लोकेशंस का आप लोगों को इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये लोकेशंस आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिफ़ॉल्टेड लोकेशन है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोग अपनी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। ये वो लोकेशन होती है जहाँ पर आप लोग ऑर्डर्स कोई भी प्लेस करते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपका जो पार्सल है या स्लिप है या आप लोग का जो ऑर्डर होता है वो आप लोगों का यहाँ पे शो हो रहा होता है कि लाहौर से ही है, लाहौर में जो भी आप लोग लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे फ्लैट है, एड्रेस है, आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अपार्टमेंट नंबर 10 बैरिया इनक्लेव या बहरी, कुछ भी आप लोग अपना जो भी है आप लोग यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। बाकी नंबर्स आप लोग चेंज करना चाहते हैं वो भी चेंज कर सकते हैं, और जैसे ही आप लोग ये सारा चेंज कर लेंगे तो यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे सेव करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे आप और भी लोकेशंस को ऐड कर सकते हैं, मतलब आप लोग दूसरा आपका वेयर हाउस फॉर एग्जांपल कहीं और है, पेरिस है, या यहाँ पे जैसे पेरिस आ रहा है, या आप लोग कहें कि भाई दूसरा वेयर हाउस USA में है तो उसकी लोकेशन सारी यहाँ पे आप लोग USA में है तो आप लोग यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी ये आप लोगों को उम्मीद है कि लोकेशंस के बारे में पता चल गया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।